OnePlus 11R कल चाइना में लॉन्च होगा और इसका जो सेकंड नेम है जो चाइना में है वो है OnePlus ACE2, S मतलब S2। और इसको अगर मैं बात करूं इंडिया में पाकिस्तान में जल्दी लॉन्च हो जाएगा। ऑब्वियसली चाइना के पास ये फोन जो है ग्लोबल मार्केट्स में और इंडिया में लॉन्च हो ही जाएगा। अगर मैं बात करूं इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, सबसे पहले इसके अंदर सोनी IMX890 सेंसर जो कि ओप्पो फाइंड X6 प्रो में यूज किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसकी कैमरा सैंपल्स के बारे में तो यहाँ पे कुछ इसके कैमरा सैंपल शो हो चुके हैं जो कि मैं यहाँ पे वीडियो में शेयर कर दूंगा। और अगर मैं बात करूं इस फोन की मजीद स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके अंदर आपको 16GB की रैम मिलेगी, 256GB की स्टोरेज, 100W की फास्ट चार्जिंग और जो इसकी बेजल्स हैं वो काफ़ी सही है, मतलब बहुत ही कम बेजल्स यहाँ पे रियलमी ने रखी है। और अगर मैं बात करूँ इस फोन की डिज़ाइन के बारे में तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे आप सर्कुलर शेप में वगैरह में देख सकते हैं। और इसकी डिज़ाइन पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी और कलर भी इसका ऑल्दो सिल्वर या ब्लैक ऐसे ही मार्केट हो रहा है। तो यही थी टोटल स्पेसिफिकेशन अबाउट OnePlus 11R। लॉन्च डेट की बात करें तो उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, शायद फरवरी की एंड में या फिर मार्च के मंथ में आ जाए, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस फोन के बारे में। अभी ये चाइना में लॉन्च होगा कल, तो हो सकता है महीने के अंदर ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। तो वीडियो पसंद है यार लाइक करो, आपको कैसा लगा OnePlus 11R मुझे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी टेक न्यूज़ के लिए जरूर से सब्सक्राइब करो। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।